बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज मैं इस तरीके से आपको केबल स्टिच पैटर्न बता रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने तीन फंदे एक तरफ, तीन फंदे दूसरी तरफ रखे हैं और छह फंदे बीच में रखे हैं, ठीक है। छह फंदों को मैंने ट्विस्ट किया है क्रोशिया के जरिए। मैं आपको याद होगा मैंने आपको निटिंग से भी ट्विस्ट करना सिखाया है, तो आज मैं आपको क्रोशिया से बता रही हूँ कि मैंने छह फंदों को किस तरीके से ट्विस्ट किया, ये केबल स्टिच मैंने किस तरीके से बनाया है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कर दिया करें। तो चलिए फिर देखते हैं हम ये केबल स्टिच किस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें सबसे पहले स्लिप नॉट लेंगे और चेन लेंगे। अब यहाँ पे मैं चेन लूंगी, वन टू थ्री फोर फाइव इलेवन एंड ट्वेल्व। 12 चेन ली है हमने यहाँ पर, ठीक है। 12 चेन ली है, 12 चेन लेने के बाद दो चेन एक्स्ट्रा लेंगे। अब यही दो चेन स्किप करके तीसरी वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। ये देखें, एक और दो चेन स्किप करके तीसरी वाली में डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे। ये दो चेन हमारे डबल क्रोशे काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वन डबल क्रोशे हो जाएगा, फिर टू डबल क्रोशे। डबल क्रोशे में हम एक दफा लपेटते हैं, फिर थ्री इलेवन एंड द लास्ट वन इज ट्वेल्व। ट्वेल्व डबल क्रोशे हमने यहाँ पे किया है। नाउ चेन टू एंड टर्न योर वर्क। अब ये जो पहली चेन आपको नजर आ रही है यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे, एक फिर सेकेंड वाली में दूसरा डबल क्रोशे एंड थर्ड वन में थर्ड डबल क्रोशे, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे ये फ्रंट पोज, यहाँ पे अब यहाँ पे नॉर्मल डबल क्रोशे नहीं करेंगे, फ्रंट पोज डबल क्रोशे करेंगे। किस तरीके से करेंगे, फ्रंट वाली साइड पे डाल के इस जगह पे ऐसे यूं डाल के हमने फ्रंट पोज डबल क्रोशे करना है। वन सिक्स फ्रंट पोज डबल क्रोशे करेंगे, टू थ्री फोर फाइव एंड द लास्ट वन इज फ्रंट पोज डबल क्रोशे सिक्स। वन सिक्स फ्रंट पोज डबल क्रोशे फ्रंट वाली साइड पे डाल के। नाउ द लास्ट वन थ्री नॉर्मल डबल क्रोशे।
जो तीन है हमने नॉर्मल डबल क्रोशे करने हैं। देखें एक दफा लपेटा इस जगह पे अब डाल के एक दो और ये तीसरा डबल क्रोशे थर्ड वन। ठीक हो गया। अब दो चेन लेके अगेन टर्न करेंगे। सबसे दो चेन यहाँ पर हमारे पास डबल क्रोशे काउंट नहीं होती, दिस टू चेन्स डज नॉट काउंट एज फर्स्ट डबल क्रोशे। ओके नाउ माय फर्स्ट डबल क्रोशे इज दिस वन, इंसर्ट हियर, मेक वन डबल क्रोशे, वन नॉर्मल डबल क्रोशे, टू एंड थर्ड वन। अब यहां पे देखें ये बैक पोस्ट डबल क्रोशे हमने किया। अब यहां पे हो गया ना हमारे पास, यहां पे इस साइड पे फ्रंट पोस्ट थे ना, अब इस साइड पे हमने जब दूसरी साइड पे आए हैं तो यहाँ पे हमारे पास बैक पे आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे बैक पोस्ट करेंगे, बैक साइड पे डाल के इस जगह पे बैक साइड पे डाल के डबल क्रोशे करेंगे, बैक पोस्ट डबल क्रोशे, सिक्स बैक पोस्ट डबल क्रोशे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। नाउ थ्री नॉर्मल डबल क्रोशे। वन टू एंड थ्री। Now chain 2 and turn my work. टू चेन लेके टर्न किया, अब थ्री नॉर्मल डबल क्रोशे, वन टू एंड थ्री। तीन डबल क्रोशे करने के बाद अब देखें दो बार लपेटेंगे, ठीक है हुक में। अब छह स्टिचेज है यहाँ पर, छह की हमने केबल बनानी है, तो फर्स्ट थ्री एक दो तीन छोड़ने के बाद अगले वाले तीन को पहले बनाएंगे, सामने से डालेंगे इसको, आगे के तीन पहले बनाएंगे, एक ट्रिपल क्रोशे करेंगे हम, फिर दो बार लपेटेंगे, यहाँ पे डालेंगे दो फिर दो बार लपेटेंगे, इस जगह पर डालेंगे तीन ट्रिपल क्रोशे। अब अगेन दो बार लपेटेंगे, बैक पे डालेंगे, अब यहाँ पे इसे बैक पे जाएंगे, ये तीन छोड़े थे ना इसके, यहाँ पे देखें बैक फर्स्ट वाले पे डालेंगे, एक फिर दो बार लपेटेंगे, नेक्स्ट वाले में डालेंगे दूसरा,
अगेन दो बार लपेटेंगे, उससे नेक्स्ट वाले में डाल के 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, यानी ट्विस्ट करेंगे। हमने 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ना, उनको हमने ट्विस्ट किया। किस तरीके से किया कि आगे के 3 पहले बनाए और ये वाले 3 बाद में बनाएंगे। अब ये जो आखिर के 3 डबल क्रोशिया हैं ये नॉर्मल बनाएंगे, 1, 2 और 3। अब 2 चेन लेके टर्न करेंगे और ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें 3 डबल क्रोशिया करने के बाद अब एक बार लपेटेंगे। जब हमने ट्विस्ट करे थे तब ट्रिपल क्रोशिया के साथ ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने इसमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया नहीं करेंगे। अभी देखें बैक साइड पे है ना, तो यहाँ पे जिसको ट्विस्ट किया था यानी ये चीज ऊपर आई थी ना, तो ऊपर वाले जो ट्विस्ट किया था 3 ट्रिपल क्रोशिया बैक बॉस हम करेंगे, तो उसको पहले करेंगे 1। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, ठीक है। यहाँ पे डाल के 2, अगेन इस जगह पे डाल के 3। ठीक है, अब ये वाले जो छोड़े थे ना इसको अब बनाएंगे, ठीक है। ये जो छोड़े थे ना पहले वाले, अब ये बनाएंगे 1 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ना, बैक की साइड पे डाल के 2, और ये वाला जो छोड़ा था 3 वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 डबल क्रोशिया जो हम नॉर्मल लास्ट के बना रहे हैं फ्रंट और लास्ट के, वो बनाएंगे और 2 चेन लेके टर्न करेंगे। अब यहाँ पे देखें 2 चेन लेके 3 डबल क्रोशिया किए हैं। अब यहाँ पे 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, इस जगह पे डालेंगे 1, दो तीन चार पांच और छः, और आगे के 3 डबल क्रोशे नॉर्मल, 1 2 और 3। ये देखिए एक बार में हमने ट्विस्ट कर लिया। अब 2 चेन लेके अगेन टर्न करेंगे, फिर से 3 नॉर्मल डबल क्रोशे करेंगे। 3 डबल क्रोशे करने के बाद अब यहाँ पे देखें 6 बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पर है, अब बैक साइड पे डालेंगे इस जगह पे और बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे 1, फिर बैक साइड पे डालेंगे देखें 2, यहाँ पे आप 3, 4 5 and 6,
6 बैक पोस्ट डबल क्रोशे के बाद लास्ट के 3 स्टिचेस नॉर्मल डबल क्रोशे करेंगे। लास्ट के 3 डबल क्रोशे करने के बाद आप 2 चेन लेके टर्न करेंगे, ठीक है। 2 चेन लेके टर्न करके फिर से 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1, 2 और 3। अब अगेन मैं सीधी साइड पे आ गई हूँ, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब यहाँ पे दोबारा ट्विस्ट करेंगे, 2 बार लपेटेंगे, ठीक है। अब ये जो 3 डबल क्रोशे ये छोड़ने के बाद आगे के जो 3 डबल क्रोशे हैं इनको पहले बनाएंगे, ठीक है। 1, फिर 2 बार लपेटेंगे, 2 फिर 2 बार लपेटेंगे और ये 3, ठीक है। फिर 2 बार लपेटेंगे। अब ये जो ये वाले फंदे हैं बैक से, यहाँ पर इसको जो छोड़े थे पहले 3, उसको बना लेंगे ट्रिपल क्रोशे के साथ। तो यहाँ पर आ जाएंगे, 6 स्टिचेस को हमने ट्विस्ट कर दिया, 1, 2 फिर 2 बार लपेटेंगे और ये आ जाएगा तीसरा, ठीक हो गया। अब दोबारा यहां से ट्विस्ट हो गया। अब यहां पे 3 डबल क्रोशे देखें, लास्ट के जो 3 डबल क्रोशे हम बना रहे हैं वो बनाएंगे, ठीक है। 1, 2 और 3। अब अगेन 2 चेन लेके 3 नॉर्मल डबल क्रोशे, 6 बैक पोस्ट डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे, ठीक है। 2 चेन लेके 3 डबल क्रोशे, 1, यहाँ पे देखें 3 डबल क्रोशे करने के बाद अब देखें जो चीज हमें ऊपर दिख रही है, ये 3 डबल क्रोशे हमें ऊपर दिख रहे हैं ना, तो ये पहले बनाएंगे, ये जो ऊपर दिख रहे हैं ना वो पहले बनाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे, 1 बैक पोस्ट डबल क्रोशे करें ना, तो यहाँ पर 1 जो ऊपर देख रहे हैं फ्रंट साइड पे, 2 और 3, ठीक है। अब जो दबे हुए हैं जो नीचे साइड पे हैं अब उन्हें बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखें इस जगह पर डाल के ये जो 3 रह गए हैं अब ये वाले बनाएंगे, ये जो इस जगह पे, ये इस जगह पे 1 फिर ये अगला वाला दूसरा, फिर उससे नेक्स्ट वाला तीसरा, ठीक हो गया। 6 बैक पोस्ट डबल क्रोशे करने के बाद 3 डबल क्रोशे लास्ट के 2 चेन लेके टर्न करेंगे, देखें 2 चेन लेके टर्न किया, फिर 3 डबल क्रोशे करेंगे। नॉर्मल जो डबल क्रोशे करते हैं वो डबल क्रोशे में हम एक दफा लपेटते हैं, फिर इस फंदे में डाल के पहली बार में 1 धागा, दूसरी बार में 2 और तीसरी बार में भी 2, 3 दफा निकालते हैं, 2 हो गए डबल क्रोशे और फिर 3 डबल क्रोशे, ठीक है। अब यहाँ पे 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे देखें अब ये जो दबा हुआ है पहले, ये जो आप दिख रहा है ना आपको पहले, वो पहले बनाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं जो ये दिख रहा है तो यहाँ पर 1, 2, 3 सामने से डालेंगे, ये इधर से ऐसे, 4, 5
फिर तीन डबल क्रोशे, एक, तीन डबल क्रोशे करने के बाद दो चेन लेकर टर्न करेंगे, फिर से तीन डबल क्रोशे करेंगे, सिक्स बैक पोस्ट डबल क्रोशे एंड थ्री डबल क्रोशे। देखें तीन डबल क्रोशे करने के बाद सिक्स बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। देखें बैक पे जो सामने है पहला उसको बैक पे करेंगे, एक यहां पे डालेंगे, देखें इस जगह पे ऐसे, दो फिर पीछे की तरफ डालेंगे, ये देखें यहां पे डालेंगे, तीन फिर इस जगह पे डालेंगे, चार पांच और छः। अब अगेन तीन डबल क्रोशे करेंगे, तीन डबल क्रोशे करने के बाद दो चेन लेके फिर से टर्न करेंगे, फिर से तीन डबल क्रोशिया। अब ये छह फंदों को दोबारा ट्विस्ट करेंगे बिल्कुल सेम एज इट इज। देखें देखें एक दफा मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। तीन डबल क्रोशे नॉर्मल जो डबल क्रोशे करें वो करेंगे, एक, तीन डबल क्रोशे करने के बाद दो बार लपेटेंगे, और अब ये पहले तीन छोड़ने के बाद आगे के तीन के ट्रिपल क्रोशे पहले करेंगे, एक फिर दो बार लपेटेंगे, इससे आगे का दूसरा ट्रिपल क्रोशे, फिर दो बार लपेटेंगे, फिर तीसरा ट्रिपल क्रोशे, अगेन टू टाइम्स ट्रैप करेंगे। अब बैक पे जो छोड़ दिए तीन ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे इनको करेंगे दोबारा, एक फिर दो बार लपेटेंगे, नेक्स्ट पे दूसरा, अगेन टू टाइम्स रैप करेंगे, और ये तीसरा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे तीन डबल क्रोशे करेंगे, एक जो नॉर्मल डबल क्रोशे लास्ट के जो तीन फंदे हैं ना वो नॉर्मल डबल क्रोशे करेंगे, पहले और आखिरी के तीन फंदे, अब अगेन टू चेन लेके टर्न करेंगे, फिर तीन डबल क्रोशे, सिक्स बैक पोज। अब इसी तरीके से मैंने जैसे आपको बताया था कि जो सामने से दिख रहा है पहले वो करेंगे फिर बाद वाले करेंगे, ठीक है। तो यही पैटर्न हमने रिपीट करते जाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक किया करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।